रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबिल्मों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में सबक पाकिस्तान की सैर की मुकम्मल दोहराई कर चुके थे, आज हम उसके किताबी मशकें हल करेंगे। तो बच्चों, अपनी किताब से सफ़ा नंबर 108 खोलिए। सफ़ा नंबर 108, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हम अपनी फेयर कापी पे हल कर चुके हैं, अब हम सवाल नंबर 2 किताब पर हल करेंगे। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पर जो हमारे पास दुरुस्त यानी सही जवाब होगा उस पर हम निशान लगाएंगे। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है पथरीला, मैदानी, जरखेज़, रेतीला। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा पथरीला है। बे, अजरा का ताल्लुक इस सूबे से है सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध सूबे से है। जी, दर्रा खैबर इस सूबे में है बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा से है। दाल, अंगूर पाकिस्तान के इस सूबे में ज़्यादा होता है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में ज़्यादा होते हैं अंगूर। है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया 512, 612, 712, 812। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया 712 में। दाल, सवात को कहा जाता है पाकिस्तान का मानचेस्टर, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान का हॉलैंड या पाकिस्तान का फिनलैंड। उसको कहा जाता है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। जे, मकली का कब्रिस्तान इस शहर के साथ है। मकली का कब्रिस्तान कौन से शहर के साथ है? छट्टा, पेशावर, कोयटा, मुल्तान। छट्टा शहर के साथ है। बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है। आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 108 पर इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है। अब अपनी किताब के सफ़ा नंबर 109 पर आइए। सफ़ा नंबर 109, सवाल नंबर 3, कालम अलिफ़ में दिए गए अल्फाज को कालम बे से मिलाइए। अब हमें यहाँ पर दो कालम दिए गए हैं, अलिफ और बे। इनमें हमने क्या करना है, अल्फाज को एक दूसरे से मिलाना है। पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान का दिल कौन से शहर को कहा जाता है? पाकिस्तान का दिल लाहौर शहर को कहा जाता है। पाकिस्तान का मानचेस्टर, पाकिस्तान का मानचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद शहर को। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? सवात शहर को। रोशनियों का शहर, रोशनियों का शहर किसे कहते हैं? कराची को। खेलों का सामान कहाँ बनाया जाता है? सियालकोट में। सियालकोट का जो है वो खेलों का सामान हो। पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, पाकिस्तान का जो गर्म तरीन शहर है वो कौन सा है? सिब्बी। हवादानों का शहर, हवादानों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? हैदराबाद शहर को। कायद अजम के आखिरी आयाम, कायद अजम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आयाम यानी कि आखिरी दिन कहाँ गुजारे थे? ज़ियारत शहर में। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। आपने इस वीडियो की मदद से अपनी किताब के सफ़ात 108 और 109 पर मशकें हल करनी है। और आपका होमवर्क है, आपने अपनी फेयर कॉपी से सबक पाकिस्तान की सैर के सवालात 1, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? सवाल नंबर 2, सिंधु किस जबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? सवाल नंबर 3, पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ हैं? इन तीनों सवालात के जवाबात याद करने हैं, याद करने के बाद उनका तहरीरी टेस्ट करना है और वो हमें व्हाट्सअप करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।